हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगी मैथमेटिक्स के सीटेट के रिगार्डिंग, जो 2012 में हुआ था उसका पैडागोजी का सेक्शन। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें पता है 15 मार्क्स का जो पैडागोजी का सेक्शन रहता है। तो ये मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ, 2012 के जो 15 क्वेश्चंस पैडागोजी के मैथमेटिक्स वाली साइड से रहे थे, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आप ही की स्क्रीन पे, तो मैं सबसे पहले अनमोल अरोड़ा सर आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ अबैकस इन क्लास सेंकिट डजंट हेल्प द स्टूडेंट्स टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। हिंदी में भी आप इसको वैसे देख सकते हैं कि कक्षा 2 में अबैकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, तो इनमें से कौन सी जो है सहायता नहीं करेगा अबैकस के रिगार्डिंग, अगर अबैकस का यूज करेंगे आप सेंकिट क्लास में। तो आगे सेकंड ऑप्शन है कि रीड द नंबर्स विदाउट एरर्स, कि बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में। थर्ड है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, मींस राइट द न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर्स गिवन इन वर्ड्स। एंड लास्ट है अटेन परफेक्शन काउंटिंग, मींस हिंदी में बोला जा रहा है कि गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके लिए आंसर तो बिल्कुल बिल्कुल आपका वेट कर रहा है। और वो आंसर क्या है, देखो राइट कहाँ पे हो सकता है, हमें सोचिए तो जरी जरा। अबैकस हमारी, अगर आप अबैकस यूज करेंगे सेकंड क्लास के बच्चों के लिए, तो वो आपको कहाँ लिखने में हेल्प करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की यहाँ पे बात कर रहा है। बट चलो ठीक है, बाकी पॉइंट्स तो वैसे भी ठीक थे, बट राइटिंग की बात यहाँ से आ नहीं सकती, तो ये प्रॉब्लम थी। अबैकस अपने को पता है प्रैक्टिकली ज्यादा हम उस पे करते हैं जो भी वर्क करते हैं। हाँ छोटे बच्चे उससे कैलकुलेशंस काफी फास्ट कर पाते हैं, वो एक अलग बात है। तो इस सब के बेसिस पे अगर हम जाने और पहचाने भी पॉइंट को, तो राइटिंग की इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करेंगे, सेकंड ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स एंड देयर कंप्लीशन इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज एज इट। कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना, कोई भी पैटर्न है उसकी आप पहचान कर लीजिए और उसे पूरा कीजिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की जो है पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक बच्चों को एक पैटर्न जो है दीजिए, उसकी बच्चे पहचान करें और उसे जो है बच्चे पूरा करें। तो इससे जो है इसकी क्या एक प्राइमरी लेवल पे इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। फर्स्ट है डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट्स इन स्टूडेंट्स। कि ये क्या करेगा कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। चलो ठीक है, सृजनात्मक गुणों को तो विकसित करेगा, बट कलात्मक ये आप कहां से बात कर सकते हो जी। तो इस एक वजह से चलो मैं सृजनात्मकता वाली साइड से तो बिल्कुल इस पॉइंट को राइट मानता हूं, बट कलात्मक गुण बच्चे में यहाँ पे कहां से विकसित हो गए, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं इस पॉइंट को रिजेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करेंगे, तो प्रिपेयर स्टूडेंट टू टेक अप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, नहीं जी ऐसा भी कुछ नहीं होता है इसमें, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। पैटर्न्स की वहां पे तो थिंकिंग लगेगी, वहां पे गिफ्टेडनेस शो करनी पड़ेगी, वहां पे क्रिएटिविटी शो करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे इन सब बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस एक रीजन से ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड है हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग सुडोकू पजल्स। देखो सुडोकू जो एक गेम है, हमें पता है ये बात कर रहे हैं कि उसकी पजल्स को जो है हेल्प करने में मदद करेगी। देखो सोचिएगा, मान के चलते हैं कि पैटर्न्स बिल्कुल जो सुडोकू गेम होती है, हमें पता है जो 9 वाला जो पैटर्न उसमें फॉलो किया जाता है, कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे उसमें, और मान के चलते हैं वहां पे 1 है, इधर 9 है, इधर 6 है, कुछ भी ऐसा पैटर्न लिखा होगा, तो यहाँ पे मान के लेते हैं 5 है, जो भी है। तो उसके लिए जो एक बताया जाता है अपने को, यहाँ पे दे दिया जाता है वो पैटर्न, उसके सेम सेम नंबर्स हमें मैच नहीं होने देते, वो आप जानते होंगे अगर सुडोकू कभी खेली है। तो उसमें सभी बच्चे इंटरेस्टिंग हो, ये कोई कंपलसरी तो नहीं है ना, तो ये एक बात है, ये भी गलत हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शंस अभी अपने पास रिजेक्टेड है, आंसर तो अभी वैसे भी आपके पास आ चुका है, बट फिर भी एक अच्छे से समझ लेते हैं इसको भी। कि प्रमोट्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस। कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता भी करता है। तो यह एक सबसे अच्छा पॉइंट है, जो कि हमें देखो क्रिएटिविटी का पॉइंट तो पहले भी मिल गया था, बट प्रॉब्लम आपको मैंने बताई थी कि कलात्मक गुण उसमें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। तो ये एक बात थी जिससे अपने को ये सब भी क्लियर होता हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल एक राइट
राइट ऑप्शन है. मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरनलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनीज की सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धन राशि के योग मीन्स एक जो है मनी का एडिशन करना है तो उसकी एक जो है व्यू रचना के लिए बात कर रहे हैं, उसकी एक मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी के लिए बात कर रहे हैं. तो जिसका प्रयोग जो है होता है धन धनराशि के उपयोग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए. तो इससे क्या हो मीन्स एक बच्चे ना अच्छे से मनी की जो है एडिशन कर पाए और उसको बिल्कुल इंटरनलाइज करें ना इन सब बातों को सीखे प्रॉपर अपने आत्मसात करें इन सब के लिए. तो वह बात हो रही है और इसके रिगार्डिंग आपको जो है बात करनी है, इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन बतानी है. तो ये बच्चे किस से कर पाएंगे, किस एक आधार पे, यूज ऑफ मॉडल्स नहीं, ये तो कुछ कंपलसरी नहीं है. रोल प्ले बढ़िया रहेगा, देखते हैं बाकी आगे. सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बच्चे काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें. और यूज ऑफ आईसीटी, देखो आईसीटी का यूज भी हर एक स्थान पे हो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है आजकल काफी कुछ पॉसिबल भी हो चुका है. बट अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन है रोल प्ले. तो बिल्कुल एक रोल प्ले अगर वो करेंगे या उनको करके दिया जाता है और उससे वो करेंगे भी, अगर वो बिल्कुल उसी को इमिटेट करके फिर आगे करते भी हैं तो बिल्कुल ये उनके लिए हेल्प करेगा. तो रोल प्ले एक काफी इंपॉर्टेंट है जहां पे वो भूमिका का निर्वाह करता हुआ उन्हें को टीचर दिखा रहा है या उसके बाद वो फिर आगे उसी के बेसिस पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप उन्हें वो रोल दीजिए. ये एक और भी बढ़िया पॉइंट है. तो इससे तो क्या सोने पे सुहागे वाली बात है जी, कि आप बच्चे को ना रोल एक सौंप देते हैं तो वो एक काफी बढ़िया पॉइंट है, उससे आप अच्छे से समझ भी सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. अ टीचर यूजेस द फॉलोइंग रीडल इन अ क्लास व्हाइल डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू. आई एम लेस देन 8 टेंस एंड 4 वंस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटीज. एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है और वो पहेली कौन सी है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं. आई एम लेस देन 8 टेंस एंड 4 वंस. तो देखो 8 टेंस एंड 4 वंस को आप अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे 8 टेंस की मीनिंग क्या हुई 80 और 4 वंस का मीनिंग क्या हुआ 4, क्योंकि 4 इंटू क्योंकि वो वंस डिजिट है ना, तो 84 की बात कर रहा है वो, आप समझ गए अच्छे से. तो इससे आप क्या देख सकते हैं, इस सब का अगर वो टीचर यूज कर रहा है, इस एक पहेली का, इस एक रीडल का अगर टीचर यूज कर रहा है, तो इससे बच्चों में इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, बच्चों में किस एक बात को डेवलप करना है. फर्स्ट है टू हैव सम फन इन द क्लास एंड टू ब्रेक मोनोटोनी, की कक्षा में कुछ मजा करना है और एक सरता को तोड़ना है. आगे देखेंगे. नेक्स्ट है टू रीइंफोर्स द कांसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू, बढ़िया ऑप्शन है. नेक्स्ट है टू डू समेटिव असेसमेंट. नहीं, समेटिव असेसमेंट तो हमें पता है सेशन के लास्ट में होती है और ये तो फॉर्मेटिव टाइप की बात हो रही है, ये तो वैसे ही गलत हो गया. और लास्ट है टू इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस टू द स्टूडेंट्स. नहीं, ये बात, ये बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आप ऑप्शन लगा दें. काफी ऑप्शंस आप में से यही लगाने वाले थे अगर मैंने बोलता तो, लगा भी दी होगी मन में सोच लिया होगा, बट ये ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, समझिएगा इस बात को भी. ये टीचर ने बात कब बोली, क्यों बोली होगी, क्योंकि बच्चे इन सब बातों को पहले से समझते होंगे. बस टीचर ने तो प्लेस वैल्यू और बेस 10 का कंसेप्ट क्लियर करना था. अच्छा, है ना, अभी क्लियर हो गया होगा. तो ये बिल्कुल एक राइट पॉइंट है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एक राइट है. इसीलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन ना आपको कहीं पे मिलती नहीं है, ठीक है, ढूंढोगे तभी मींस मिलने वाली नहीं है. तो बिल्कुल इन वीडियोस का जो है फायदा दूसरों को भी मिले, इसीलिए वीडियोस को शेयर जरूर से किया कीजिए, इसी से हम भी मोटिवेट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नंबर सिस्टम इन द क्लास टू क्लास 3 स्टूडेंट्स इज टू एनेबल द स्टूडेंट्स. कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है. तो इसमें से क्या एक पर्पस हो सकता है, अगर क्लास 3 के स्टूडेंट्स को आप जो है नंबर सिस्टम का जो कंसेप्ट जो है टीच कर रहे हैं. फर्स्ट है टू सी द नंबर्स एज ग्रुप ऑफ 100 टेंस एंड वंस एंड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज. हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि संख्याओं को सैकड़ों दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना. काफी बढ़िया ऑप्शन नजर आ रही है ना अभी तक, तो ठीक है इसको एक बार साइड पे रखेंगे, आगे की ऑप्शंस भी तो हैं. नेक्स्ट है टू मास्टर द स्किल ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर. नेक्स्ट है टू मास्टर द स्किल ऑफ रीडिंग लार्ज नंबर्स. देखो ये तो बिल्कुल गलत है ना, ऐसी कौन सी बात है. और लास्ट है कि टू काउंट अप टू 6 डिजिट्स की 6 अंकों तक गिनना, ये सब गलत है. तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपने पास एक बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन थी.
कि आप बच्चों को अगर नंबर सिस्टम टीच कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव यह होगा कि वो जो बच्चे हैं ना वो संख्याओं को जो सैकड़े हैं दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखें, उन सबको जाने, मींस वंस टेंस और हंड्रेड्स के कंसेप्ट को वो अंडरस्टैंड करें एंड वो प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को भी उसकी और उसकी इंपोर्टेंस को भी उसके सिग्निफिकेंस को भी समझे। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूव करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Sixth question is on your screen. To teach various units of length to the students of class 3rd, a teacher shall take the following materials to the class. First one is centimeters, rulers and measuring tape. Second one is rulers of different lengths and different units, measuring rod, measuring strip used by the architects. आर्किटेक्ट्स हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, जिससे हम फुट्टा भी बोल देते हैं वैसे, और नापने वाली जो छड़ होती है, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो ये काफी बड़ी ऑप्शन हो सकती है। इसके बेसिस पे टीचर जो है लेंथ का कंसेप्ट तो उन्हें पढ़ा सकता है, लेंथ की जो यूनिट है या जो वेरियस यूनिट्स है लेंथ की, तो बिल्कुल उन्हें अच्छे से अवगत करवा सकता है उनसे इन सब बातों से। एक बार ये राइट ऑप्शन है, साइड पे रखेंगे इसको। आगे चलेंगे, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो दूसरी तरफ तो मीटर हो। देखो यहां से ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप तो क्या अच्छे से पढ़ा पाओगे, बच्चे खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एक तरफ तो सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ है मीटर, तो ये दोनों इकाइयां बच्चे एक साथ समझ नहीं पाएंगे, इनमें ना उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलने वाली है। तो ये एक बात है जिससे आप अच्छे से इन बातों को भी समझ गए हैं। नेक्स्ट मींस ये लास्ट ऑप्शन, अभी विभिन्न इकाइयों का संबंध जो है एक चार्ट बनाना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके लिए सबसे बेस्ट है। मूव करेंगे जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं अभी इसी के रिगार्डिंग। तो ये बात कर रहा है, द कंसेप्ट ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स कैन बी इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th बाय। तो बात हो रही है कि जो हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि कक्षा 5 है उसके विद्यार्थी हैं, उनको आपने समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ाना है, उसकी संकल्पना से आपने परिचित करना है, और आप परिचित किससे करेंगे, उन्हें अवगत किस एक बात से करवाएंगे, कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट आप में आप इनमें से या कौन सी ट्रिक इसमें से आप आजमा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है Measuring the area of any figure with the help of different objects like palm means a hatheli, leaf, pencil, etc. कि विभिन्न इकाई विभिन्न वस्तुओं जैसे कि हथेली है, पत्ती है, पेंसिल है आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना काफी बढ़िया है ना, खुद ही समझिए। एक प्लेन फिगर है, मान के चलते हैं ये है, आप बच्चों को उनकी जो हथेली है उसके बेसिस पे मान के चलते हैं ना, या फिर एक आप लीफ ले रहे हैं जैसा कि इन्होंने बोला भी हुआ है, कुछ कुछ मैं भी ड्रॉ कर लेता हूं जैसे भी मेरे से ड्रॉ होता है। हाँ, ये अभी आप लीफ से बच्चों से ड्रॉ करवा, मींस वो जो एक हमने एक प्लेन फिगर ड्रॉ की और उस प्लेन फिगर को आप जो मेजर करवा रहे हैं वो आप इस लीफ की हेल्प से करवा सकते हैं ना। तो मींस कुछ कुछ कि बच्चों को एरिया क्लियर हो। अभी आप क्या बताएंगे कि बेटा देखो इस लीफ ने कितना एरिया, जो इसने जितनी जितनी ये स्पेस ली है ना इसने, या जितना जितना इसने एरिया कवर किया, एरिया कवर किया या बढ़िया बोल सकते हैं कि जितना जितना इस लीफ ने एरिया कवर किया ना, वो सारे का सारा उस प्लेन फिगर का एरिया है, मीन जहां पे वो पत्ता रखा गया। अगर हम इन्हीं लीव्स को इन्हीं सारी की सारी फिगर पे, इस जो रेक्टेंगल पे जो हम ड्रॉ कर देते, अगर हम इनको रख देते हैं तो वो सारे का सारा एरिया आ जाएगा, जितनी भी जितना भी स्थान लीव लेने वाले हैं, लीव्स लेने वाले हैं। तो ये काफी एक बढ़िया कंसेप्ट है क्योंकि यहां से क्या है, आप खुद ही सोचिए ना कि बच्चे रियल लाइफ के साथ एग्जांपल्स कनेक्ट करके सीख पा रहे हैं, तो और क्या चाहिए जी। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। मूव करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथमेटिक्स कैन बी एनहांस्ड बाय, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो क्या देखो सिंपल सी बात है, गणना करनी है मींस कंप्यूटेशनल स्किल्स, बच्चे ये कैलकुलेशंस वगैरह जो है अच्छे से कर पाए, तो इसके लिए आप जो है किस एक टेक्निक को इनमें से भी यूज करेंगे, मींस इसके इसमें से आप क्या अपना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम्स ओनली, देखो एल्गोरिथम्स का प्रयोग करेंगे वर्णन करेंगे ये गलत है। एल्गोरिथम्स हम सबको पता होना चाहिए, हो सकता है आपको पता भी हो कि एल्गोरिथम जस्ट एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप खुद सोचिए भी, आप एल्गोरिथम का यूज क्या वैलिड रहेगा, ये बिल्कुल एक गलत है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए कि कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन क्लास, बिल्कुल राइट है ना। देखो खुद सोचिए, अगर बच्चे ने एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है, जोड़ या जिसे हम योगफल बोल देते हैं
या आप जिन्हें माइनस हम जिन्हें या सबसेक्शन बोलते हैं, और या फिर आप इन्हें देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन जिन्हें गुना और भाग बोलते हैं। तो अगर इन सबका जो टीचर है अगर बच्चों से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाएगा, चाहे वो व्याकरण क्यों ना हो, तो उन सब की अगर हम बात करें तो इन सबका अगर टीचर बिल्कुल बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने के लिए देगा, उनका अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो पाएगा, उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्ड हो पाएगी, तो ये काफी बढ़िया होगा। देखो कंसेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे ओनली बात की गई कि गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज अलोन, ये गलत है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करें और उनसे उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, तो वो एक बढ़िया पॉइंट है अगर वैसा लिखा होता। बट यहाँ पे अलोन की बात की गई कि गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज अलोन मींस आप ओनली ओनली संकल्पनात्मक ज्ञान दीजिए, तो ये गलत बात है। तो लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, और थर्ड ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स फॉलोड बाय लोड्स ऑफ प्रैक्टिस, मीन्स काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करवानी है, बट आप बिल्कुल डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी ले सकते हैं, बट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बिल्कुल बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एक बेस्ट। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को जरूर से लाइक कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिए इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और टेट बजर के नेम से आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे जरूर से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वहीं पे मिलते रहें। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टू असेस द स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी ऑन सॉल्विंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सबसेक्शन रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट आर, कि योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आंकलन करने के लिए आंकलन के शीर्षक है। देखो पहले तो ये समझ लीजिए वर्ड प्रॉब्लम्स कौन सी, देखो कुछ ज्यादा माइंड चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब हम छोटे थे, चाहे मैं था चाहे आप थे, तो जब हम छोटे थे तो हमने ये सबने जरूर ये कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स की हुई हैं जिसमें बात तो बहुत सिंपल कर रहा होता था, मींस सिंपल बात उसने यही बोलनी होती थी कि 5 + 6 कर दीजिए, या फिर 6 × 6 कर दीजिए, 6 / 6 कर दीजिए, बट ना आपको घुमा घुमा के आपको पता नहीं कौन से रास्ते पे लेके जा रहा था, तो वो एक बात थी। तो ये एक कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे वो आपको यहाँ पे लेके आता था। मींस ये एक ना, मैं आपको सीधी सी बात करूं, आपसे कहता था कि मान के चलते हैं कि आपके पास 10 चपाती हैं, और आप जो हैं 10 चपाती लेके आए घर से, आपकी माता ने आपको सुबह को 10 चपाती दी कि बेटा इनका सही से यूज करना, जो अगर आपको कोई हेल्प करने वाला मिले उनको दे देना और बाकी खुद खा लेना। ओके, तो जो है अगर हम आगे इसी एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं, तो बच्चा इसी बेसिस पे घर से निकलता है और जो अपने स्कूल में पहुंचता है, रास्ते में जब वो उसको एक पर्सन मिलता है उस स्कूल पहुंचने से पहले, तो वो क्या बात अपनी वहां पे देखने को मिलती है कि वो बच्चा देखता है कि एक नीडी पर्सन है, और वो जो है उसके पास इतनी मनी नहीं है बट वो भूखा है, और उसको तो रोटी दे देनी चाहिए, मुझे वो चपाती उनमें से कुछ ना मुझे दे देनी चाहिए, तो 2 चपाती वो उनको दे देता है। आगे चलता है वो स्कूल में पहुंचता है, वहां पे लंच करने के लिए जब वो देखता है कि एक उसके फ्रेंड के पास आज लंच बॉक्स नहीं है, तो उसको भी 3 चपाती दे देता है, और एक उसका जो फ्रेंड है उसके पास आज ज्यादा चपाती थी और उसने बोला कि आज ये तू मेरा ले ले एक, ठीक है, तो अभी टोटल में उसके पास कितनी चपाती थी, अभी उसके पास टोटल में कितनी चपाती है, बस यही पूछना है। अभी हम सोचते थे कि इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है ये, अपने इसे ये डायरेक्ट भी तो पूछ सकता है कि इतनी तेरी माता ने मीन्स 10 - 2 करनी है, फिर -3 करनी है, +1 करनी है, तो अभी उसका आंसर आ जाएगा। बट कितनी कंफ्यूजन क्रिएट कर, मींस अभी तो ये बहुत इजी लगते हैं बट उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे। तो ये ही बात है, तो ये अगर हम समझे इन सब बातों को, तो इनके रिगार्डिंग अभी आपने आंसर करना है कि ये अगर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी कुछ एडिशन और सब्सेप्शन के बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे आप क्या देख सकेंगे, इसके बेसिस पे आप क्या असेस कर पाएंगे स्टूडेंट्स की कौन सी कॉम्पिटेंसी स्किल्स को, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये काफी बढ़िया पॉइंट है कि सवाल का बंधन, बच्चे इस बात को समझे प्रॉपर और आगे बढ़ेंगे, निष्पादित की जाने वाली क्रिया की पहचान करें,
और समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, जिसको हमने हिंदी इंग्लिश में भी देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली, बच्चे मैथमेटिकली वे से प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर पाए, और सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो मान के चलिए ये सभी के सभी बेनिफिट्स मिलते हैं अपने को, है ना। इन सब बातों को हम असेस भी कर पाते हैं अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों के समक्ष रख देते हैं। तो ये काफी बढ़िया पॉइंट, अभी ना आपको क्लियर भी हो गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि कितनी बेनिफिट अपने को देती हैं, और ये सब की सब बच्चों की असेस भी करवा देती हैं। तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। 10th क्वेश्चन, अ सूटेबल अप्रोच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट आर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवीजर टू क्लास 4th स्टूडेंट्स कैन बी। तो देखो समझिएगा ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे, हिंदी में भी आप देख लीजिए पहले, कि कक्षा चार के जो है कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है। तो समझते हैं इस सब बातों को, वैसे आप मैंने आप आपको मैं बता भी देता हूं। जैसे कि ना मान के चलते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं कि 10 को डिवाइड करना है हमने 3 से। अभी क्या है, आपको क्या बोला गया कि विद्यार्थियों को यह अपने बताना है कि जो शेष है वो विभाजक से वो जो डिवीजर से हमेशा जो है ना कम होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमको पता है कि 3 3 9 होता है, और इसको जब हम माइनस करेंगे इससे तो 1 आएगा। तो ये है शेष, ये है रिमाइंडर। तो अभी ये रिमाइंडर जो है ना कम ही रहता है इससे, ये तो एक बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, बट अभी आपको बच्चों को यह एक समझानी है ये, और किस एक युक्ति से किस एक टेक्निक से बच्चों को आप यह बात समझा पाएंगे। तो इसके लिए आपने देखना है, फर्स्ट है परफॉर्म लॉट्स ऑफ डिवीजन सम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड शो दैट एवरी टाइम द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर। क्या बहुत सारे सम कीजिए जी ब्लैक बोर्ड पे, बच्चों को दिखाइए कि हर बार ही ना क्या देखने को मिलता है कि ये जो सम जो ये जो शेषफल बचेगा ना अपना, ये हर बार जो है ना डिवीजर से कम ही आएगा। तो ये तो बच्चा समझ सकता है, और इतने से कितना बोरिंग हो सकता है। तो ये एक गलत है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वर्बली टू द स्टूडेंट सेवरल टाइम्स, कि आप बच्चों को बोल बोल के मौखिक रूप से बस आप बता दीजिए, ये भी गलत है। ये दोनों टेक्निक्स गलत हैं अभी तक, आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है अभी अपने पास थर्ड ऑप्शन, रिप्रेजेंट डिवीजन सम्स एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन दैट द न्यूमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट इज रिमाइंडर। देखो आप बच्चों को फ्रैक्शन में करके बता दीजिए, ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे 10/3 कीजिए, और बच्चों को इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन इसकी बना सकते हैं ना हम, ये होगी इसके मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम मिश्रित भिन्न हिंदी में बोल देते हैं। अगर हम उसी सम को आगे लेके चल रहे हैं तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन सब बातों को। देखो समय लगता है, बट अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं मानता हूं समय कुछ मायने नहीं रखता आपके लिए, है ना। तो अभी क्या है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं और बच्चों को आप ये बता रहे हैं कि ये शेषफल है और ये हमेशा कम ही रहने वाला है, देखो आप सोचिए तो सही कि क्लास 4th के बच्चे हैं, क्या वो भली भांति इन सब बातों को जान पाएंगे। चलो ठीक है, फिर भी एक बार ये बढ़िया बात कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन को एक बार देखते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मल्टीपल ऑफ डिवीजर्स एंड शोइंग दैट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट इन द ग्रुप आर लेस देन द डिवीजर। काफी बढ़िया पॉइंट है ये, आप देख सकते हैं हिंदी में भी कि वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत कर दीजिए ना आप, जो जो गुणज हैं उसके अगर हम बात करें उनमें आप समूहीकृत भी तो कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और प्रदर्शित करना कि जो वस्तुओं की जो संख्या है वो जो समूहों में नहीं है वो विभाजक से कम है। तो कुछ आप ऐसी एग्जांपल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने 3/3 करके या कुछ ऐसा करके अपने बताना है, बट ठीक है इसको आप टेक्निक को बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक काफी बढ़िया पॉइंट, अपने को एक सबसे बेस्ट पॉइंट मिल चुका है इसके लिए, तो यही 4th ऑप्शन ही अपने पास राइट था। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, While teaching the addition of fractions, it was observed by Mr. Singh that the following type of error is very common. तो टीचर है जिसने कि अगर हम बात करें जो एक फ्रैक्शन के सम कराते समय या भिन्नों का योग पढ़ाते समय, उसने यह देखा कि निम्नलिखित प्रकार की जो एक त्रुटि है ना, ये जो एक त्रुटि है ये बहुत आम सी है कि बच्चा ये एक मिस्टेक बार बच्चे ना ये मिस्टेक बार बार कर रहे हैं जब ये टीचर फ्रैक्शंस का एडिशन सिखा रहा है बच्चों को। तो 2 upon 3 plus 2 upon 5 = 4 upon 10 लिख रहे हैं, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे देखते ही इस समय कि ये ऑप्शन का जो राइट आंसर आ रहा है वो गलत है, मींस ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम में 15 आएगा ना, तो हमें पता है, तो आगे से बस कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। और अगर हम इन सब बातों के लिए जाने भी, इन सब बातों को प्रॉपर पहचाने भी देखें अगर,
कि श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना होगा, तो इनमें से कौन सा एक जो है रेमिडियल एक्शन टीचर ले सकता है इन चारों में से। फर्स्ट है समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास करवाना। देखो ऑप्शन से ही गलत हो गया ना, कि आप बहुत सारे सम्स करवाएंगे बच्चों को, गिव मोर प्रैक्टिस ऑफ सेम टाइप प्रॉब्लम्स, तो बच्चे कहां से सीख पाएंगे। एक्चुअली मैम ओल्ड टाइप से इसी प्रकार से सीखते थे, इसीलिए तो समय लगता था, सीख जाते थे बट समय बहुत लगता था, क्योंकि कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का सहारा ही नहीं लिया जाता था, तो इससे तो और बोरिंग बनेगा ना। ये तो एक ड्रिल टाइप हो गया, और ड्रिल तो वैसे भी बच्चों के लिए बोरिंग है। आगे है सेकंड ऑप्शन कि असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना, तथा बाद में समान प्रकार के जो है सवालों का अभ्यास करना। तो ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान के चलते हैं 2/3 बच्चों को जो है क्लियर ही करना है। 2/3 क्या होगा, तो मान के चलते हैं इसको 2/3 में हम जो है लिख सकते हैं, ये दो पार्ट हमने शेड कर दिए, खाली छोड़ दिया, तो अभी क्या बच्चा इसका मीनिंग निकाल पाएगा कि 2/3। अभी 2/5 का भी तो इसी तरह आप देख सकते हैं ना, कि 2/5 के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से जस्ट आप देखिए इसको, अभी आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नहीं, आप दो पार्ट्स को शेड कर दीजिए, और अभी इसका बच्चा मीनिंग अच्छे से समझ सकता है ना, इसको आप क्लियर कर सकते हो, बेटा ये दो जो दो पार्ट्स है ना ये शेडेड है और ये 2/5 है। और इसके बाद आगे आप बढ़ सकते हैं, अभी इस तरह से जो पिक्टोरियल टाइप से जो आप हेल्प ले सकते हैं, इन्हीं प्रकार के जो चित्रात्मक रूप से प्रतिरूप दे सकते हैं, और बाद में इसी प्रकार के समान प्रकार के सवालों का आप अभ्यास करवा सकते हैं। ये ऑप्शन अभी तक बढ़िया है। आगे देख लेते हैं एक बार, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना, ये तो कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं होना। हर के लघुत्तम मींस जो डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम की संकल्पना को स्पष्ट करना। देखो आप ओनली एलसीएम जो निकालना है, ओनली डिनोमिनेटर के लिए कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आप ऐसा करके भी गलत कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन थी। नेक्स्ट है द एनसीएफ 2005 कंसीडर दैट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, द विजन कैन बी रियलाइज्ड बाय। तो इससे आप क्या देख सकते हैं, हिंदी में भी आप देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। हमने सबको पता ही है कि इसमें जो है एक बिल्कुल चिंतन और तर्कना का जो है तरीका शामिल होता है, और इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो हम इसको किसके द्वारा जो है रियलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट है गिविंग स्पेशल कोचिंग टू स्टूडेंट्स, सेकेंड है अडॉप्टिंग एक्सप्लोरेटरी अप्रोच यूज ऑफ मैनिपुलेटिव कनेक्टिंग कंसेप्ट्स टू रियल लाइफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन डिस्कशन। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि खोजबीन उपागम का जो है प्रयोग करना, हस्तचालकों का जो है प्रयोग करना, और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो ठीक है, एक बार ये अच्छी ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे एक बार कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, कि री राइटिंग ऑल टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, क्या ये सही है, रोंग है ये बिल्कुल। नेक्स्ट है गिविंग लोड्स ऑफ प्रॉब्लम वर्कशीट टू स्टूडेंट्स, ये भी गलत है, मैंने आपको पहले ही एक बात बोल दी। देखो ड्रिल पे कभी मत जाइएगा, ड्रिल गलत है, ड्रिल है बस आप बार बार बच्चों को एक बोरिंग सा काम करवाए जा रहे हैं जो ओल्ड बेसिस पे होते थे, तो वो बिल्कुल गलत होगा जी। तो इसके लिए आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और देखो देखते ही समझ गए होंगे आप कि वहां पे जो कंसेप्ट्स को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करने की बात की जा रही थी, हाथ से मीन्स हस्त चालकों के बेसिस पे बात की जा रही थी, मीन्स उसका आप यूज कीजिए, और क्योंकि बच्चों वहां पे क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे, थिंकिंग कर पाएंगे, रीजनिंग कर पाएंगे, तो ये काफी बड़ी ऑप्शन थी। खोजबीन करके भी बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, तो ये काफी एक बढ़िया पॉइंट था, और वही अपने क्वेश्चन का आंसर भी था। नेक्स्ट है मिस रीना यूजेस अ ग्रिड एक्टिविटी टू टीच द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, अ सैंपल इज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो एक जो श्री रीना है, सुश्री रीना, श्रीमती रीना है, तो दशमलव के गुणन की संकल्पना को शिक्षण करने के लिए, उसका जो शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का जो है प्रयोग कर पा रही है, कर रही है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं। तो उसका एक नमूना ये दिया गया है कि 0.2, यहाँ पे एक्चुअली में 0.2 है, 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.06, तो ये बच्ची को इस प्रकार से टीचर क्लियर करवा रही है। आप देख भी सकते हैं कि जैसे कि आपने अच्छे से ये क्लियर भी कर लिया होगा वैसे तो, कि ये देखो 0.3 है, अभी 0.3 बच्चों को कैसे क्लियर हुआ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बच्चे इनमें से क्लियर कर पाए कि ये जो है ना अपने को ये क्लियर हुआ इससे कि ये पूरा का पूरा ये 1 था, बट इसमें ये
तीन पार्ट हुए इसके, तो तीन पॉइंट, तीन पार्ट तो हम पॉइंट तीन से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 1 के इक्वल ही है। और इसको हम अगर डिवाइड करें इसके साथ अगर हम देखें तो पॉइंट टू ये है, और पॉइंट टू को आप पॉइंट थ्री से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ग्रिड से, वो टीचर सब कुछ क्लियर करवाना चाह रही है, तो इससे क्या होगा बच्चों को, इससे लास्ट में ही क्लियर हो पाएगा ना कि ये जो इनमें से कॉमन रहा यही तो इसका आंसर होगा, और ये कितना रहा 0.06। तो इस टेक्निक का यूज कर रही है टीचर, तो इससे वो बच्चों में क्या डेवलप करना चाह रही है, किस एक के बेसिस पे वो आगे बढ़ रही है, इसके पीछे उसका क्या पर्पस हो सकता है थ्रू दिस मेथड मिस रीना इज। तो इस पद्धति के अनुसार जो है श्रीमती रीना क्या डेवलप करना चाहती है बच्चों में, फर्स्ट है फोकसिंग मोर ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। देखो कंसेप्चुअल नॉलेज डेवलप करना काफी बढ़िया है, और इस प्रकार से आप डेवलप करेंगे तो ये तो और भी बढ़िया है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल पहले हैंड्स ऑन एक्टिविटीज प्रकार से आप देख सकते हैं ना, मींस बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं, बिल्कुल उन पिक्टोरियल नॉलेज की हेल्प से सीख पा रहे हैं, तो काफी बढ़िया है ये पॉइंट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे टीचर फोकस कर रही है तो अच्छी है, ना कि प्रोसीजरल नॉलेज पे, प्रोसीजरल नॉलेज पे फोकस नहीं कर रही है टीचर। आगे है सेकंड ऑप्शन यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लर्निंग, नहीं ओल्ड टाइम पे कुछ ऐसा होता था, नहीं होता था, तो बिल्कुल ये एक मॉडर्न टेक्निक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया कि परंपरागत उपागम का तो यूज नहीं कर रही है। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखो अपने पास ये गलत नहीं है, बट अपने पास ऑलरेडी एक सूटेबल ऑप्शन आ चुकी है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, जिसमें दो बातों की वो एक बात कर रहा है। तो आगे लास्ट है फोकसिंग मोर ऑन प्रोसीजरल नॉलेज लेस देन कंसेप्चुअल नॉलेज। देखो ये हम अच्छे से समझ गए हैं कि जो कंसेप्चुअल नॉलेज पे वो ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इससे बच्चों में कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे, और ये इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सबसे राइट थी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाइल प्लानिंग अ लेसन ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एडिशन अ टीचर इज यूजिंग द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रिप फोल्डिंग, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक जो है ना पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, तो इससे वो क्या कर पाएगा। देखो आप समझ पा रहे हैं कि ये टीचर एक पट्टी मोड़ दे रहा है, मान के चलते हैं ये पूरा एक है और इसमें से एक पट्टी मोड़ दी गई है, जो एक स्ट्रिप को है उसको फोल्ड कर दिया गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ 1/2। ठीक है बच्चे क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। आगे देखेंगे जैसे कि ये 1/4, अभी कैसे पता लगा बच्चों को, ये एक सिर्फ फोल्ड कर दी गई और ये बच्चे रहेगी 3, तो इससे अभी क्या अर्थ निकल के आया कि 1/4, क्योंकि चाहे आप इसको शेडेड पार्ट भी तो मान सकते हैं, और वैसे इन्होंने चलो सिर्फ फोल्ड करने की बात की है तो आप उससे ही समझ लीजिए, तो ये एक फोल्ड की गई और चार इसके भाग बच गए, तो 1/4 हो गया, ये 1/4 है, और इसी तरह से ये हो गया अपना 1/8। तो इससे भी क्या देख सकते हैं, ये एक्टिविटी क्या है, ये बच्चों के लिए किस प्रकार से उनको ये सारे का सारा फ्रैक्शंस का जो है कंसेप्ट सिखा देगी, और जब वो जो है फ्रैक्शन की एडिशन की ओर बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल एक कंटेंट एक्टिविटी है। देखो ये बच्चों के सामने ये सारे का सारा कंटेंट ही तो रखा गया, ये सारे का सारा एक मैटर ही तो रखा गया था, तो यह विषय वस्तु से संबंधित गतिविधि थी जो साथ साथ में चली। देखो पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो सकती, वेस्टेज ऑफ टाइम गलत है, प्री कंटेंट एक्टिविटी भी नहीं है कि आपने कंटेंट पहले प्रस्तुत कर दिया और फिर आप बाद में कहीं चल के कंसेप्चुअल नॉलेज बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, ये गलत है उस बेसिस पे, तो बिल्कुल आप कंटेंट एक्टिविटी के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का तो देखते हैं जो पेडागोजी वाले सेक्शन का था। रिजल्ट इज अ काइनेस्थेटिक लर्नर, हिज टीचर मिस रीना अंडरस्टूड ही स्टाइल ऑफ लर्निंग, कि रिजुल एक गति संवेदी जो है शिक्षार्थी है, एक काइनेस्थेटिक लर्नर है, और उसकी शिक्षिका जो है ना सुश्री नेहा है, तो वो अच्छे से उसकी लर्निंग स्टाइल को समझती हैं, तो उसकी जो है अधिगम शैली को समझती हैं, और इसके लिए बात करें कि उसके गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का जो है किस व्यू रचना का जो है चयन करना चाहिए। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड शी चूज टू क्लियर हिज कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखो फर्स्ट है काउंटिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन क्रिस क्रॉस लाइंस, की आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना चाहिए, जैसे कि ये है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास forcing him to memorize all tables, ये तो आप गलत कर रहे हैं ना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं बच्चों में तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उन पे आप बल दें, उन इन बातों पे फोकस करें, तो आप ऐसा करके भी गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है
यूज थिंग्स एंड बीड्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स टू गेट द मल्टीपल्स ऑफ टू और थ्री एटसेट्रा, कि मींस आप दो प्रकार के ना जो एक भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों वाले मोती और धागों को जो ऐसे आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं कि जैसा हमारे पास इसे पिक्चर में क्लियर हो रखा है कि एक ट्रांसपेरेंट है, आप व्हाइट ले सकते हैं और एक ब्लैक है, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, और ये टू और ये फिर थ्री थ्री, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, ये भी कुछ बढ़िया पॉइंट नहीं है। आगे लास्ट ऑप्शन है कि स्किप काउंटिंग, ये तो इससे तो फिर बच्चे वैसे भी कंफ्यूजन में आ सकते हैं, ये जो बच्चा है स्पेशली रिजुल है और वैसे भी वो काइनेस्थेटिक लर्नर है, तो इन सब से वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। और फर्स्ट बिल्कुल राइट था कि ये ना इन सब बातों से अच्छे से वो क्लियर कर पाएगा कि देखो एक लाइन है ना वो दो को जाके इंटरसेक्ट कर रही है, दो को जाके वो जो है कट कर रही है, तो उसके बेसिस पे अपने को जो है राइट आंसर करना है, तो वही अपने क्वेश्चन का जो है हम समझ सकते हैं। तो बिल्कुल यही है अपने क्वेश्चन का आंसर भी, जो अपने मिल भी चुका है। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे एक जो है बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन, और यही अपनी इंपोर्टेंट डिस्कशन भी कवर होती हुई। और मैं आपको बता दूं एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी, हाँ उससे पहले ये भी आप जान लीजिए कि सीटेट का 2012 का मैथमेटिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो पहले क्लियर कर दिया था, शाहरुख सर ने आपके साथ पहले डिस्कस कर दिया था, और मैंने आपके साथ पैडागोजी का भी मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। और वीडियो को जरूर से लाइक तो शेयर करना है, बनना ही है, बनता ही है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल कंप्लीट सीडीपी का अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ओनली सीडीपी का पेड कोर्स अभी तक स्टार्ट किया हमने, और काफी जल्द हम जो है सीडीपी के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट की कोचिंग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीटेट स्पेशली, रीट स्पेशली, पीएसएट स्पेशली, एचटेट स्पेशली, सबके लिए वो स्पेशली कोर्सेज होंगे, सेपरेट कोर्सेज रहने वाले हैं। और ये सीडीपी का कोर्स मैं खुद कवर करता हूँ, आपने और मेरा स्टाइल आप सभी जानते हैं, और अगर आप वैसे भी डेमो लेक्चर भी पहले ले सकते हैं, आप हमसे डेमो लेक्चर लीजिए, अगर उसके बाद आपको अच्छा लगता है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें डेमो लेक्चर के लिए मैसेज कर सकते हैं, और आगे की जो भी प्रोसीजर है पेड कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यूज भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं ओनली अभी आपको थ्योरी नहीं करवाता इन सब में, इसके साथ साथ एमसीक्यूज की भी डिस्कशन आपके साथ अच्छे से होती है, तो बिल्कुल बाकी अदर सब्जेक्ट्स की कोचिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा, और जो है फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और टेट बजर के यूट्यूब चैनल को सभी के सभी जो है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आज के न्यू व्यूअर्स हैं जरूर से सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करेंगे, और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो आपको रिमाइंड करवाना मेरा पर्पज है, बट लाइक और शेयर करना आपका जो है एक धर्म होना चाहिए, तो ये आप जरूर से करेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं। मिलेंगे कुछ ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।